हमारी इस ऑनलाइन क्लासेस में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सेल 2016 की फीचर्स, और हमारे साथ अनुज जी हैं और कार्तिक जी हैं। दोपहर के 12 बजे हैं और हम एक्सेल की क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बेसिकली हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी होम मेनू। सबसे स्टार्टिंग हम आपको मेनू वाइज क्लासेस पढ़ाएंगे कि होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, इस तरह से हर एक मेनू वाइज हम चलेंगे और मेनू वाइज हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं और करने जा रहे हैं क्लिपबोर्ड पे, मतलब कॉपी एंड पेस्ट। तो हमें अपने ऑफिशियल लाइफ में जब हम काम करते हैं तो हमें कॉपी एंड पेस्ट की काफी जरूरत पड़ती है। तो हम आपके साथ कॉपी एंड पेस्ट का इस्तेमाल हम करने जा रहे हैं। मतलब जब भी डेटा हम कहीं से लाते हैं या कहीं पे ले जाते हैं तो हमें कॉपी एंड पेस्ट करना पड़ता है। तो एक कॉपी एंड पेस्ट में हमें और क्या क्या चीजें हैं जो कि बेनिफिट दे सकती हैं, ये हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि मैं हर टॉपिक का एक एडवांस बेसिक पार्ट और एक एडवांस पार्ट हम कवर करेंगे। तो आप लोग ध्यान से देखिए कि जो चीज आपको समझ में ना आए आप उसी समय तुरंत पूछ सकते हैं। तो हमने मेरे पास एक छोटा सा सैंपल डेटा है। छोटा सैंपल डेटा रखने का पर्पस होता है कि आपको इफेक्ट जल्दी और इजीली समझ में आ जाए। तो कॉपी एंड पेस्ट, तो जैसे हम लोग कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी करते हैं, जैसा डेटा होता है ऐसे यहाँ पे पेस्ट होता है। अब दोनों में नंबर चेंज हो गए, इस पे आप लोग कंफ्यूज नहीं हुई है क्योंकि मैंने रैम बिटवीन का फॉर्मूला लगा रखा है। रैम बिटवीन का फॉर्मूला क्या करता है, रैंडम नंबर शो करता है। रैम बिटवीन का फॉर्मूला क्या करता है कि जो भी हमारे नंबर्स है उनके बीच में वो रैंडम डेटा देता है कि रैंडम वैल्यू क्या है। इसलिए हर बार वो चेंज होते रहते, कहीं भी डबल क्लिक करेंगे, टाइप करेंगे, कुछ भी एक्सेल पे करेंगे तो वो अपना रिजल्ट तुरंत चेंज कर देगा। तो हम वापस आते हैं कॉपी एंड पेस्ट में। हमने डेटा को सिलेक्ट किया, कॉपी किया और यहां पे हमने उसको पेस्ट कर दिया। अब उससे पहले हमें जानना होगा सिलेक्शन मेथड कि हम डेटा को सिलेक्ट कैसे करते हैं। सिलेक्शन मेथड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप लार्ज डेटा में वर्क करेंगे तो सिलेक्शन मेथड आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। मतलब कि जो डेटा है इस डेटा को हम सिलेक्ट कैसे कर सकते हैं। देखिए पूरा डेटा को सिलेक्ट करने का शॉर्टकट है कंट्रोल ए, मतलब कि सिलेक्ट ऑल। अगर आप सिर्फ एक बार सिलेक्ट ऑल करते हैं तो जितने भी डेटा होगा उस डेटा को सिलेक्ट कर देगा। अगर दो बार कर देते हैं तो पूरी सीट को सिलेक्ट करेगा, मतलब कि जो यहां पर क्लिक करके सिलेक्शन होती है वो सिलेक्शन हो जाएगी। लेकिन कभी कभी दिक्कत क्या होता है कंट्रोल ए में, जैसे हमने यहाँ पे वैल्यू लिखा और यहाँ भी वैल्यू लिखा और हमने यहाँ पे कंट्रोल ए किया तो देख रहे हैं दो कॉलम एक्स्ट्रा सिलेक्ट हो रहे हैं। अगर मैंने इसका डेटा डिलीट भी कर लिया फिर भी कंट्रोल ए कभी कभी ए पूरा डेटा ही सिलेक्ट करेगा, तो उस केस में क्या करते हैं। तो उस केस में हम लोग जो है एक स्टार्टिंग पोजिशन पर रखते हैं कर्सर को और नीचे ड्रॉप डाउन के डेटा के लास्ट एरिया पे आते हैं और शिफ्ट के साथ लास्ट वाले सेक्शन पे क्लिक कर देते हैं तो हमारा डेटा सिलेक्ट हो जाता है। या कर्सर मूव करने की बात करो, मान लीजिए मुझे नीचे जाना है तो मैं एक एक करके जाऊंगा तो काफी टाइम कंज्यूम होगा, तो आप कंट्रोल के साथ डाउन एरो प्रेस करेंगे तो सबसे लास्ट में चले जाएंगे, अप एरो प्रेस करेंगे तो सबसे ऊपर चले जाएंगे और राइट और लेफ्ट से राइट और लेफ्ट मूव करेंगे। लेकिन सिलेक्शन के साथ आपको जाना है तो आपको यूज करना होगा कंट्रोल शिफ्ट राइट एलो एंड डाउन। तो सिलेक्शन करने का तरीका यह है कि कर्सर को किस तरह से सिलेक्शन करेंगे ये आपके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि कॉपी करने के लिए सिलेक्शन करना बहुत जरूरी है, इसलिए ये टॉपिक मैंने आपको बताया। ठीक है, अब बात आते हैं कॉपी एंड पेस्ट।
अब जैसे कि हम अगर नॉर्मल यहाँ सिलेक्शन करते हैं, सिलेक्शन करके मान लो कि मैंने सिलेक्शन किया और सिलेक्शन करके हम यहाँ कॉपी एंड पेस्ट करते हैं, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी करते हैं, तो क्या होता है जैसा डेटा होता है वैसा पेस्ट कर देता है, चाहे यहाँ पे करें या कहीं भी करें, जैसा डेटा होगा वैसा ही पेस्ट करते हैं। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या होती है कि हमें कभी कभी पूरा का पूरा डेटा कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ता है, हमें जरूरत नहीं होती पूरा का पूरा डेटा को कॉपी पेस्ट करने की, तो उस केस में क्या करते हैं, तो उस केस में हमारे पास पेस्ट स्पेशल जैसा एक ऑप्शन है, पेस्ट स्पेशल जैसा एक ऑप्शन है जो कि हमें सिलेक्ट कॉपीबल डेटा में से कुछ पर्टिकुलर पार्ट को पेस्ट करने की इजाजत देता है। ठीक है, तो पेस्ट स्पेशल के लिए आप यहां से भी जा सकते हैं और आप यहां पे राइट क्लिक करके भी जा सकते हैं। ठीक है, तो एक जो पेस्ट ऑफिसर का विंडो आता है इसमें कई पार्ट है, जैसे कि ऑल ऑल बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड होता है, जैसा कॉपी है वैसा ही पेस्ट होगा। ठीक है, इसमें फॉर्मूला, तो फॉर्मूला में फॉर्मूला पेस्ट होता है। अब कुछ बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर ये नेम में तो कोई फॉर्मूला नहीं था तो फॉर्मूला क्यों पेस्ट किया, तो देखिए पेस्ट जो फॉर्मूला का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ फॉर्मूला को पेस्ट करेगा, पेस्ट जो फॉर्मूला का मतलब होता है कि जो फॉर्मूला बार में ऊपर विजुअल है उसको पेस्ट करेगा, चाहे वो नंबर हो या फॉर्मूला। ठीक है, इसका ध्यान रखिए। तो पेस्ट जो फॉर्मूला क्या करता है, फॉर्मेटिंग के बगैर जितने भी चीजें हैं उसको पेस्ट करता है। मैं इसको राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल में हम यहां वैल्यू को करते हैं, वैल्यू क्या करता है, जो जो बाहर जो इसका ये दिखता है मतलब जो कंटेन है उस कंटेन को पेस्ट करता है, या फिर पेस्ट एज ए वैल्यू का यूज हम लोग करते हैं कि फॉर्मूला रिमूव करने के लिए, जैसे कि इस पे डेटा में फॉर्मूला लगा है तो मैं चाहता हूं कि फॉर्मूला रिमूव होकर एक नॉर्मल डेटा आ जाए, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे एंड देन ओवर देन हम पेस्ट स्पेशल करेंगे, मतलब इसी के ऊपर हम पेस्ट स्पेशल में वैल्यू सिलेक्ट करेंगे, विल सिलेक्ट द वैल्यू फिर फॉर्मूला रिप्लेस बाय हिज दैट कंटेन, तो जो कंटेंट्स है जैसे कि 58 83 उससे आपका रिप्लेस हो जाएगा। इस फीचर का यूज हम अपने ऑफिशियल लाइफ में बहुत करते हैं, होता है क्या है कभी कभी जब हम रिपोर्ट्स बनाते हैं तो उस रिपोर्ट्स में क्या होता है कि वो बड़ी क्रिटिकल रिपोर्ट होती है, कई सारे डेटाओं के साथ लिंक होता है, जैसे कि ये देखिए कि ये डेटा, ये हमारे एक रिपोर्ट्स है जो कि बहुत सारे फॉर्मूला जो कि हमारे डेटाबेस से डेटा शीट से कनेक्टेड है, बहुत सारे फॉर्मूला जो डेटा शीट से हमारे कनेक्टेड है और उससे हमारा ये रिपोर्ट बना हुआ है। अब प्रॉब्लम है कि अगर इस रिपोर्ट को मुझे किसी को भेजना है, मैं चाहता हूँ इस रिपोर्ट को किसी को भेजना,
तो मुझे इसके साथ इसका डेटा भी भेजना पड़ेगा, क्योंकि तो अगर रिपोर्ट का सीट भेजा तो वो फॉर्मूला वर्क ही नहीं करेगा, ये फॉर्मूला जिस सीट से लिंक है उसे तो वर्क ही नहीं करेगा। क्या सर? तो यहां पे हमें क्या करना है, यहां पे हमें करना कि हम इसको मेल करें। हम लोग क्या करते हैं, इसको राइट क्लिक करते हैं, मूव एंड कॉपी करते हैं, मूव और कॉपी, और इसमें यहाँ क्रिएट कॉपी करते हैं, क्योंकि अगर नॉर्मली मैं कॉपी पेस्ट करूं तो प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए हम डायरेक्टली पूरी की पूरी शीट को मूव कर देते हैं। ठीक है, और यहां पे हम न्यू बुक को सिलेक्ट करते हैं एंड ओके करते हैं, फिर पूरी सीट को कॉपी करके एक नया वर्कबुक पे पेस्ट कर देता है। हेलो जी सर। सर, आपने कैसे किया? आपने एक फॉर्मूला मतलब कॉपी किया ना, तो पूरी शीट कैसे दूसरे उसमें कॉपी हो गई टेम्पलेट पे? मैंने क्या किया वर्क कि सीट पे गया, राइट क्लिक किया और सीट को किया मूव और कॉपी, और यहां से हमने क्रिएट कॉपी पे क्लिक किया, और यहां से मैंने न्यू वर्क, एक नई फाइल को उसने खोला और सीट की एक कॉपी यहां पे डाल दी सेम फॉर्मेट के साथ, और सेम फॉर्मूला वॉर्मूला सबके साथ। ठीक है, अगर मैं इस फाइल को सेव सर, करके, काम क्या बोल रहे हैं, जी सर, ये तो आपने जैसे कहीं पे भी कर रखा था, आप कहीं पे भी कर रखेंगे जहां पे फॉर्मूला लगाया है, तो वहीं से उठाएगा या जब मेन फॉर्मूला जहां से स्टार्ट किया है नहीं, ये? पूरी सीट को उठाएगा, पूरी सीट को कर्सर से इसको कोई नहीं, पूरी शीट को कर्सर, उठाएगा सर, हाँ पूरी सीट को जैसे सर उठाएगा, आपने यहाँ पे रखा ना 105 पे, तो आप मतलब कहीं पे भी रख सकते कर्सर हैं? से कोई मतलब नहीं है, कहीं भी रखिए। तो ओके जब पूरी ओके सीट को कॉपी कर रहा है तो कर्सर से क्या बोला है उसको, हाँ सर, मतलब कहीं पे भी रखो, पूरी शीट को ऑटोमेटिकली कॉपी कर लेगा वो। ओके ठीक है। तो अब मेन प्रॉब्लम क्या है, मेन प्रॉब्लम है कि जब हम इसको अगर ये करेंगे, मतलब कि किसी को मेल करेंगे, तो वो पर्टिकुलर पर्सन इस डेटा शीट को यूज नहीं कर पाएगा, बिकॉज कि कनेक्टेड विद अदर शीट, और वो शीट इस फाइल में अवेलेबल नहीं है फिलहाल, तो दिख रहा है, जैसे मैं इसको अपनी इस फाइल को बंद करूंगा जो ओरिजिनल फाइल है और सेव करूंगा तो सारे के सारे हट जाते हैं, कभी दूसरे पीसी पे जाएगा तो, क्योंकि वो लोकेशन पे वो फाइल मिलेगी नहीं। तो अब मुझे, अब क्या है कि इसमें बहुत सारे चार्ट भी है और बहुत सारी चीजें भी है, तो एक एक करके कॉपी पेस्ट करना तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ना। तो इस केस में हम क्या करते हैं कि पूरी सीट को सिलेक्ट करते हैं, जितनी भी पूरी शीट्स है उस शीट्स को सिलेक्ट करते हैं, देन कॉपी करते हैं, और इसी के ऊपर पेस्ट स्टेशन, इसी के ऊपर हम क्या करते हैं, यहां यहां से बदलिए पेस्ट स्टेशन, एक मिनट, पूरी शीट को कॉपी किए और इसी के ऊपर पेस्ट स्पेशल, और यहां हम वैल्यू को सिलेक्ट करके ओके करते हैं। ये क्या करेगा, फॉर्मूला को ओवरराइट करेगा। ठीक है, देखिए, तो अब सारे फॉर्मूले रिमूव हो गए, अब मैं किसी भी को भी ये सीट भेज सकता हूं, राइट। ठीक है सर,
तो पेस्ट जो वैल्यू के द्वारा जो हम ये करते हैं रिमूव डुप्लीकेट, सॉरी क्या बोलते हैं रिमूव फॉर्मूला, वो तो आप लोगों को समझ में आ गया। सर इसमें एक क्वेरी है, जैसे ना आपने जो आपका कोई भी एक शीट है उसमें फॉर्मूला लगा हुआ है एक्सेल शीट, ठीक है, आप उसे अगर हम उसे डायरेक्टली कॉपी करते हैं और हम उसे कहीं दूसरी पैरेलल एक्सेल शीट में कॉपी करते हैं पेस्ट करते हैं तो वो सेम फार्मूला नहीं उठाता ना, फॉर्मूला उठाता है सेम, इसके लिए हम हाँ पेस्ट स्पेशल करते हैं। अभी हमने वही किया, राइट। हाँ वही फॉर्मूले को रिमूव करने के लिए हमने पेस्ट स्पेशल किया। बट सर जब मैं एक्चुअली मैंने ये चीज ट्राई करता हूँ तो होता नहीं है वो, मतलब जैसे आपकी ये रैंडम नंबर का अगर आप इसे दूसरी साइड वाले शीट टू में ओपन करेंगे और इस यहाँ से कॉपी करके इसे स्पेशल पेस्ट करेंगे तो फॉर्मूला नहीं आता उसमें, बस ये कॉपी हो जाएगा शीट वन। नहीं, फॉर्मूला कॉपी होना चाहिए। कुछ वो चीजें कुछ कुछ जगहों पे नहीं होती है, जहां पे आपका लगा होता है क्या बोलते हैं ये लगा होता है प्रोटेक्शन लगा होता है वहां पे, तो कहाँ पे किसकी जगह पे नहीं होती है वो तो हम आपको बताएंगे कि तो प्रोटेक्शंस वाले शीट पे नहीं है। सर एक बार ये शीट वन को आप शीट टू में कॉपी करके दिखाएंगे जो, सर एक बार कौन सा इसको? इसमें, हाँ इसमें फॉर्मूला लगा हुआ है ना एक। हाँ सिंपल है, अगर मैं इसको कॉपी करके किसी अनदर शीट में पेस्ट करूंगा किसी भी शीट में तो फॉर्मूला कॉपी होगा। देखिए हुआ कॉपी, ठीक ओके सर है। ये हाँ आपने नॉर्मली पेस्ट किया, इस पे पेस्ट भी नहीं किया फिर कंट्रोल सी भी आ गया। कंट्रोल भी तो होना ही है, ठीक है। सर अगर यही आपने शीट वन किया और आप दूसरी एक्सेल ओपन करें वहां पे करें तो हो जाएगा। अभी होगा जैसे कि अगर मैं इसको कॉपी करूं, मान लीजिए कि मैंने कंट्रोल एन किया और इस पे पेस्ट कर रहा, लेकिन यहां भी आ गया, ठीक है। हाँ ओके सर मैं आपको दिखाऊंगा इसके बाद, मेरे आई एम इसके नॉट एबल टू डू दैट थिंग सेम, ठीक है। अब हम डिस्कस कर रहे हैं पेस्ट जो वैल्यू, समझ में आ गया आपको? तो जैसे आपका मान लीजिए कि मैं यहाँ पे पेस्ट एज ए फॉर्मेट करता हूँ कि कॉपी किया और हमने बोला यहाँ पे जहां पे करना है वहां पे राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल और हमने कर दिया पेस्ट एज ए फॉर्मेट, तो सिर्फ फॉर्मेटिंग को इसने पेस्ट करेगा, तो पेस्ट एज ए फॉर्मेट क्या करता है, सिर्फ फॉर्मेटिंग को पेस्ट करेगा, राइट। लेकिन एक दिक्कत कब होती है, जैसे कि मान लीजिए कि मैंने इसको डबल क्लिक कर दिया और डबल क्लिक करके मैंने इसको एक सेल में कॉपी कर लिया, ठीक है। कॉपी करके हमने इसको एक सेल में जहां रखना है वहां रख लिया पेस्ट स्पेशल कर, तो इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम आएगी। छोटी सी प्रॉब्लम क्या आएगी कि अगर मैंने यहाँ पे जस्ट पेस्ट कर दिया या पेस्ट वैल्यू कुछ भी कर लिया तो इसकी कॉलम की जो साइज है वो साइज नहीं है, तो उससे क्या प्रॉब्लम होती है, उससे प्रॉब्लम होती है कि जब उसको हम इस चीज को जब हम मतलब कि दोबारा से हमें इसकी कॉलम की विड्थ को एडजस्ट करना होता है ताकि उसको एक पेज पे प्रिंट कर सके, जैसे कि अभी रिपोर्ट्स में भी देखा था आपने, तो मैं चाहता हूं कि मेरा कॉलम की विड्थ भी आए, तो उसके लिए पेस्ट स्पेशल करते समय आप जो है कॉलम की विड्थ को सेलेक्ट करें एंड ओके करें, तो कॉलम की विड्थ में सिर्फ कॉलम की विड्थ ही कॉपी होगी, बाकी चीजें कॉपी नहीं होगा, ठीक है। वापस से आपको पेस्ट कीजिएगा तो आपका कॉलम का विड्थ पेस्ट हो जाएगा, ठीक है सर।
या फिर आप चाहते हैं कि दोनों इकट्ठा हो कि कॉलम की विड्थ और कॉलम के डेटा दोनों आए, तो पेस्ट स्पेशल करते समय आपको यहाँ पे आइकन्स दिखेंगे। आइकन्स में ये देखिए कि सोर्स कॉलम विड्थ को क्लिक करें तो आपको सिर्फ कॉलम की विड्थ को ही पेस्ट करें। अब एक चीज प्रॉब्लम, एक कॉलम है हम लोगों से हमेशा होता है, जो हमारे डेटा में डेट टाइम जैसे डेटा होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे कुछ डेट्स की एंट्री कर दी और उसके ऊपर जो हमारे फॉर्मेट्स हैं वो फॉर्मेट अप्लाई करके, अगर मैं इसको कहीं पे कॉपी करके पेस्ट एज ए फॉर्मूला या पेस्ट एज ए वैल्यू करता हूं, तो क्या होता है कि वो इस तरह के नंबर्स में आते हैं। अब नंबर्स में क्यों आते हैं इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, फिलहाल हमें इस चीज को जानना है कि ये नंबर होता क्या है, समझे कि नंबर होता क्या है। ठीक है सर, यस सर। पता है नंबर क्या होता है? चलिए मैं आपको बताता हूं कि नंबर होता क्या है। ये जो नंबर जो आप देख रहे हैं, ये नंबर जो है वो है कि नंबर ऑफ डेज फ्रॉम द स्टार्टिंग द कंप्यूटर कैलेंडर। जब भी हम कोई डेट लिखते हैं तो डेट को नंबर अपने मतलब नंबर ऑफ डेज में स्टोर करता है। जैसे कि मैंने एक लिखा, इसका मतलब हुआ फर्स्ट जैन 1900, कि कंप्यूटर कैलेंडर फर्स्ट जैन 1900 से स्टार्ट हुआ है। देखिए फर्स्ट जैन 1900, इससे दो चीज पता चलती है। पहली चीज पता चलती है कि हम इससे पहले की मतलब कि मान लीजिए कि मुझे लिखना हो 1 जैन 1857, तो ये डेट नहीं है, ये दिस इज अ टेक्स्ट, क्योंकि इस 1900 से पहले की डेट को आप स्टोर नहीं कर सकते एज ए नंबर फॉर्मेट, सॉरी एज ए डेट फॉर्मेट। ठीक है, अब इसी तरह से मान लीजिए मैंने यहाँ पे 367 डाला, यहाँ पे 367, तो ये आपको ईयर चेंज हो गया। ऐसे में अगर 42948 दिन डेज डालूं तो ये आपको 1 अगस्त का डेट आ जाएगा। तो अब बात करते हैं कि ये तो समझ में आ गया कि हाँ नंबर ऑफ डेज है फ्रॉम द स्टार्टिंग द कंप्यूटर, लेकिन ऐसा हुआ क्यों? ऐसा हुआ कैलकुलेशन के लिए, कि अगर ये डेट फॉर्मेट में है और हम इस पे किसी भी तरह का मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर देते हैं, जैसे यहाँ प्लस कर दिए तो कैलकुलेट हो जाता है, जबकि स्पेशल रूल कहती है कि अगर किसी भी नंबर के साथ किसी भी तरह का टेक्स्ट जुड़ा हुआ है तो उसके उस पे जो कैलकुलेशन नहीं हो सकता इसके वन, क्योंकि टेक्स्ट पे हम किसी भी तरह की कैलकुलेशन नहीं कर सकते, राइट? बट यहाँ पे कर रहा है क्यों? क्योंकि एक्चुअली में जो ए है 42948 और ए एक्चुअली में जो है 42968। जब हम वैल्यू पेस्ट करते हैं, जब हमारा जो इस जब हम इस पर फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं, और डेट की फॉर्मेटिंग होती है जो कि अपने हिसाब से कैलकुलेट होकर उस नंबर और डेज डेज को डेट में कन्वर्ट करते हैं। जब हम पेस्ट एज वैल्यू करते हैं तो पेस्ट एज वैल्यू को बोला गया है रिमूव ऑल फॉर्मेट्स, और जबकि डेट भी एक तरह की फॉर्मेटिंग्स है तो सारे फॉर्मेटिंग को रिमूव कर दे रहे हैं। ठीक है सर, क्लियर है? कोई डाउट इसमें?
अगर आप एक चीज और, अगर आप डेट की फॉर्मेटिंग नहीं चाहते हैं, तो आप चाहते हैं कि डेट जब पेश करें तो डेट की फॉर्मेटिंग जैसा है वैसा ही रहे, तो उस केस में यहां पे फॉर्मूला नंबर फॉर्मेट एंड वैल्यू एज ए नंबर फॉर्मेट को आप करेंगे तो आपको यहां पे डेट ठीक है। ओके समझ गए सर? हाँ सर, ये तो आपने मतलब सर वो मतलब कुछ फीचर यूज किया है राइट एक्सेल का। अगर हाँ सर आप देखिए, ऐसे ही नॉर्मल कॉपी पेस्ट करते हैं नॉर्मल कॉपी पेस्ट करेंगे तो आएगा ही आएगा ना, लेकिन मैं चाहता हूं कि मुझे नंबर की जो फॉर्मेटिंग है, मतलब कि जो इस पे नंबर डेट है, टाइम है, परसेंटेज है, ऐसी फॉर्मेटिंग अगर है तो वो रहने दे। इसके अलावा जो फॉर्मेटिंग है कि कलर है, बॉर्डर है, कमेंट्स है, फॉर्मूले है, वो नहीं चाहिए। उस केस में इस फीचर को समझ, मतलब कि वैल्यू के जगह पे इसको सिलेक्ट करोगे तो वैल्यू के साथ आपका नंबर का फॉर्मेट, जिसकी डेट, टाइम, परसेंटेज, कॉमा, वो जो है वो आपके यहाँ आएगा। ठीक है सर ठीक है, जी। अब नई चीज जो आपको सिखाने जा रहा हूं, अब बात करते हैं ऑपरेशंस की। जैसे कि अगर मैं 20 लिखूं एंड 25, तो अगर मैंने 25 को कॉपी किया और 20 पे हमने पेस्ट किया, तो 20 रिप्लेस बाय 25, राइट? ओके लेकिन मैं पेस्ट स्पेशल करूं और यहां पे, हेलो, क्लास है नहीं बोले काम लगे तो बस मैं बात करता हूँ। तो यहां पे हम, अगर हमने ऐड ले लिया, ये क्या करेगा? ये करेगा कि 20 एंड 25, जहां पे कॉपी हो रहा है और जहां पे पेस्ट हो रहा है, उन दोनों के बीच में मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर, ठीक है? और रिजल्ट 20 45 यहां पे देगा। समझ गया सर? कार्तिक जी, इन डाउट्स में? नो डाउट सर, नो आई एम लिसनिंग। हेलो हाँ जी, या आई एम लिसनिंग। तो अब आपको क्या करना है कि इसके दो एग्जाम्पल रिसर्च करने हैं, क्योंकि ये फीचर्स हम अपने ऑफिशियल लाइफ में कैसे इस्तेमाल करें। समझ गए? ये आपको ढूंढना है। तो ये आपकी रिसर्चेज है, मतलब कि एज ए होमवर्क हुआ कि पेस्ट स्पेशल में जो हम लोग सिलेक्ट करते हैं पेस्ट, इसमें ऑपरेशंस जिसमें कैलकुलेशंस होती है, वो कैलकुलेशंस का हम ऑफिशियली यूज क्या करें। अनुज जी, कार्तिक जी, इस चीज को नोट कर लें और मुझे कल के डेट में मुझे बताएं कि हाँ, हमने इसका ए ऑफिशियल यूज ढूंढना है। ये आपकी रिसर्च है, फिर आपको इस पे हम आगे की चीजें समझाएंगे। और कोई क्वेश्चन है आप लोगों नहीं सर। सर एक्चुअली कल मैंने आपसे कुछ पूछा था एक्सेल के लिए जो किया था। एक्चुअली वो मतलब एक एक्सेल में कॉपी तो हो रहा है लेकिन उसकी इमेज फाइल बन गया, मैं उसमें कुछ भी एडिट या कॉपी नहीं कर पा रहा हूँ। को? तो पेस्ट ऐसे पिक्चर हुआ होगा। बट सर हमने तो वैसे ही किया था ना, जस्ट
एक मिनट, तो जब तक मुझे दिखाओगे नहीं तो मैं क्या करूँ, क्योंकि ये जो चीज आप बोल रहे हो ये नॉर्मली नहीं होता है। अभी आपके पास आया हो ठीक है डेटा? आप। हाँ सर डाटा है मेरे पास। अभी भी कर रहे हो तो हो रहा है? एक हाँ सर। मिनट मुझे दिखाइए। सर मैं स्क्रीन शेयर का मुझे हाईलाइट नहीं हो रहा ऑप्शन। अभी मैंने शेयर कर दिया। कार्तिक जी, अनुज जी की प्रॉब्लम देख रहे, क्या हो रही है? सॉरी आई कैनॉट गेट अभी इस ना मैं प्रॉब्लम। अनुज जी की स्क्रीन, अभी जस्ट व्यूइंग द अनुज स्क्रीन, ही हैज सम प्रॉब्लम एंड ही इज सो। ओके अनुज जी, मैं आपकी स्क्रीन देख पा रहा हूं, देन ओके बताइए कहां पे प्रॉब्लम हो रही है। अनुज जी, जो फाइल आपने ओपन किया है वो CSV फाइल है। ओके तो सर मैं इसे एक्सेल में कर देता हूँ। इस ओके सर देखिए, CSV फाइल का मीनिंग समझते क्या होता है? कॉमा सेपरेटेड फाइल, उसमें किसी भी तरह की फॉर्मेटिंग स्टोर नहीं होती है। फॉर्मेटिंग एंड फॉर्मूला नेवर विल स्टोर इन द CSV फाइल। ओके समझ गए? इसलिए आप जब कॉपी एंड पेस्ट करते हैं तो बाकी चीजें नहीं आती उसमें। सर पहले मैं इसे एक्सेल में कन्वर्ट करूं सेव एज करके। तो बताइए ठीक है सर ये कहाँ। एक्सेल में हो गया। हेलो जी सर, जैसे अभी यहाँ पे है मैं, मुझे कोई ऐड करनी है वर्कशीट, जैसे कल आपसे पूछा था मैंने, तो यहाँ पे गए फिर सर आपने कल क्या बताया था एक बार आप रिपीट करेंगे वो। नहीं, वो तो चीजें बताया हमने, मैंने बोला। अच्छा, वो जो कल बताई थी उसमें कॉपी करने पे पिक्चर हो जा रहा है, वो हाँ सर तो दे दो आपको। वो तो पिक्चर होना ही था, उस पर डबल क्लिक करके कॉपी करेंगे तो पिक्चर नहीं होगा। बेसिकली एम्बेड हाँ सर है, डबल क्लिक कर रहा हूँ तो एम्बेड। नई एक्सेल खुल जा रही है। हाँ, तो नेक्स्ट खोलेगा, जिसने जी एम्बेड ऑलरेडी, एम्बेड है वो, ऑब्जेक्ट ऑलरेडी है, जी ठीक है, उसमें होगी। आपको डबल क्लिक करके फिर कॉपी करना पड़ेगा, ठीक है। ओके ये चीजें धीरे धीरे ठीक जान है जाएंगे, सर तो ये सब मैं चीजें। वो देखिए, ये सब कैसे। चीजें ना, ये सब चीजें आर्किटेक्चर्स को समझना होगा एक्सेल के, तब चीजें पता चलेगी आप। समझ गए ना? जैसे कि मैंने बताया कि CSV फाइल में जी अगर कुछ भी फॉर्मेटिंग करोगे तो सेव नहीं करेगा, रिमूव कर देगा, बिकॉज CSV फाइल इज अ कॉमा सेपरेटेड फाइल। वो किसी भी तरह की कैलकुलेशन एंड फॉर्मेटिंग को स्टोर नहीं करता है, एंड ऑब्जेक्ट्स को स्टोर नहीं करता है। जी
उसी तरह से जब आप किसी बाहर की एक्सेल फाइल को या किसी भी फाइल को एक्सेल में एम्बेड करते हैं तो दैट इज अ एम्बेड एज ए ऑब्जेक्ट, समझे? तो एक ऑब्जेक्ट के रूप में एम्बेड जी होता है, तो ऑब्जेक्ट के रूप में जब एम्बेड होगा तो ऑब्जेक्ट जैसा ही पिक्चर्स की तरह ये ऑब्जेक्ट होता है तो उस पिक्चर की तरह ही बिहेव करेगा। तो अगर उसको आप करना चाहते हैं सर, तो डबल क्लिक करके करना पड़ेगा सर। अगर डबल क्लिक करना तो नई एक्सेल शीट खुल जा रही है। हाँ, तो नई एक्सेल सीट नहीं खुल रहा होगा, डबल क्लिक करते वही फाइल खुल रही होगी आपको, सेम जो फाइल एम्बेड है वो फाइल खुलती होगी। नहीं सर, अगर मैं उसमें कुछ मॉडिफाई करता हूँ फिर उसे क्लोज करता हूँ तो वो सेव नहीं हो रही है ना उसमें एम्बेड सिर्फ, पिक्चर्स। नहीं समझ गए आप, एम्बेड जो आपने किया हुआ है वो जस्ट आपको विजुअल है, वो फोटो स्टेट है जी आपका, रिप्रेजेंट हो रही है। ओरिजिनल फाइल कैसे चेंज करोगे आप? लिंक वन तरफ से होता है ना, टू तरफ से थोड़ी होता है। नहीं सर, मेरा मोटो क्या था कि मैं एक ही एक्सेल ओपन करूँ एक्सेल, और उसमें सब नहीं तीनों तीनों चीजें एक साथ नहीं देख सकूँ। ऐसी चीजें नहीं कर सकते, देख सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते हैं आप। देखने का तरीका मैंने कल बताया था, चेंज करने का तरीका नहीं है। चेंज करने का आपको हर अलग अलग फाइल में जानी पड़ेगी ना। फाइल जब वो पर्टिकुलर फाइल ओके ओपन होगा तो उसके साथ जो भी सर्विसेज है एक उसके साथ ओपन होगी ना, जी, समझ गया ना? ठीक है सर, समझ गया सर। आज हमने एक बार बताएंगे सर कैसे किया था कल वो रिपीट, मैं एक बार उसे दोबारा करके देखता हूँ। मैं कार्तिक जी, इनका क्वेश्चन ये था कि मैं एक फाइल में एक से ज्यादा फाइल को विजुअल कर सकूं, ठीक है? मुझे बार बार अलग अलग फाइल पे नेविगेट करना ना पड़े, क्योंकि तो नेविगेशन के लिए डिफरेंट डिफरेंट फोल्डर्स में फाइल है। तो इन्होंने बोला कि मुझे सिर्फ विजुअल करना है, तो मैंने विजुअलिटी के पर्पज से मैंने इंसर्ट किया था। इंसर्ट कमांड में हमारे पास यहाँ टेक्स्ट कैटेगरी के अंदर में होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है? तो ऑब्जेक्ट, अगर मान लीजिए आपको ये ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है ना अनुज जी, तो आप जो है एक काम और कर सकते हैं कि आप एक्सेल ऑप्शन में जा सकते हैं और वहां से कस्टमाइज जी रिबन, राइट? और क्या यहां लिखना है पे सर? आप कस्टमाइज रिबन, कस्टमाइज यहाँ लिस्ट, पे, ओके हाँ यहाँ पे उस ऑब्जेक्ट वाले फीचर्स को ढूंढ के और अपने जिस मेनू बार में चाहिए उस मेनू बार में ऐड कर, ठीक ठीक है सर, ये मैं कर लूंगा। है? देखिए फिलहाल ओके मेरे पास ओके है, सर तो ऑब्जेक्ट में मैंने गया, तो ऑब्जेक्ट में जाने के बाद मुझे जी एक पॉपअप विंडो आया, तो मैंने क्रिएट फ्रॉम फाइल और फिर हमने अपने उस पर्टिकुलर फाइल को नेविगेट किया जहां पे फाइल से स्टोर है, और फिर उस फाइल को मैंने जस्ट सिलेक्ट किया एंड इंसर्ट, और यहां पे सेलेक्ट किया लिंक फाइल, ओनली फॉर लिंक फाइल, देन तो ये जो फाइल आया वो ऑब्जेक्ट के रूप में आया। ये ऑब्जेक्ट, इस पे हम इसको आसानी से देख सकते हैं जो भी देखना है। लेकिन अगर इसमें कुछ चेंज करना है, मान लीजिए मुझे ये 20,000 को चेंज करके 22,000 करना है, तो इस पे डबल क्लिक करना होगा। डबल क्लिक करने से फिर वो फाइल खुलेगी और फिर इस पे आओ, चेंजिंग आप कीजिए, और चेंजिंग करने के बाद इसको यहीं से सेव कीजिए और इसको क्लोज कीजिए। यहाँ 25,000 आ गया, समझे अनु जी? हाँ सर, ये ऐसे हो रहा है, ठीक हाँ ऐसा ही करना पड़ेगा आपको, है ओके। समझ गए? मतलब डायरेक्टली नहीं डायरेक्टली जी, आप यहां से नहीं करते, क्योंकि ये जो पार्ट है ये पार्ट जस्ट शो कर रहा है ना। डायरेक्टली कब चेंज करेंगे? जब ये आपके सीट का डेटा होगा। एम्बेड क्या करता है? जस्ट आपका शो करता है, समझे? मान लीजिए ना कि इंटरनेट पे आप जाते हैं, रोल नंबर डाल के अपने रिजल्ट देखते हैं, तो वहां से रिजल्ट जस्ट विजुअल कर सकते हैं ना, रिजल्ट को चेंज तो नहीं कर सकते। जी रिजल्ट को चेंज करने के लिए हमें उस सोर्स पे जाना पड़ेगा ना, जिस जिस सोर्स पे हमारा वो जी डेटा है। तो ये सेम थिंग यहां भी है कि ये जस्ट विजुअल हो रहा है, इसको चेंजिंग के लिए मुझे इसकी सोर्स पे जाना पड़ेगा,
और सोर्स पे जाने के लिए हमें जस्ट डबल क्लिक करना पड़ेगा, क्योंकि हमने एम्बेड लगाते समय हमने लिंक फाइल पे क्लिक किया था। अगर लिंक फाइल पे क्लिक जी ना हो गया तो डबल क्लिक भी होने करने पे भी नहीं ओपन होगा, ओके समझ गए? यस सर ठीक है, तो मैंने जो रिसर्च आपको दिए हैं कि पेस्ट स्पेशल में ऑपरेशंस में एड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई का ऑफिशियली यूज क्या है, ये मुझे आप बताएंगे अगली क्लास में, राइट? इस क्लास की रिकॉर्डिंग में मंडे को अभी यू हाँ मंडे को इस क्लास की रिकॉर्डिंग में अभी यूट्यूब पे डाल देता हूँ, आपको मिल जाएगा। और कार्तिक जी,